हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आप लोगों को अपने घर की वीडियोस दिखाऊंगी, हर रूम की डिफरेंट। तो सबसे पहले, क्योंकि मेरे बच्चों की ख्वाहिश थी कि सबसे पहले उनके प्ले रूम की वीडियो दिखाई जाए, इसलिए मैं सबसे पहले उनके प्ले रूम की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ देख के बताइएगा कि आपको मेरे बेबीज़ की वीडियोज़ कैसी लगी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको सबसे एक्साइटिंग रूम दिखाने वाली हूँ, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की और बहुत प्यार से उसे डेकोरेट किया। लुक, इट्स प्ले रूम ऑफ माई किड्स एंड आई लव दिस। इसमें मैंने ग्रीन एंड येलो पेंट कराया था। दिस इज़ फॉल्स सीलिंग। यहाँ से नीचे से ऊपर तक येलो फॉल्स सीलिंग है, ठीक है। उसके अंदर ये जो है ना, ये इसके साथ साइड्स पे यूँ है, और जिसमें गुम लाइट लगी हुई है, ओके। और ये इसका फ़ैन, जो कि ऑब्वियसली हर रूम के साथ मेरा फ़ैन मैच कर रहा है, तो ये भी मैच कर रहा है। अब मैं आपको येलो लाइट में पहले रूम दिखाती हूँ, उसके बाद मैं दूसरी लाइट्स चलाऊँगी। अच्छा, अब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से जाए, इधर से शुरू करती हूँ। ये है फ्रंट, जब सामने आते हैं तो ये मैंने नेट से ऑनलाइन स्टिकर मंगाए और इन्हें आपस में जोड़ के लगा दिया। इट्स लुक लाइक वॉल पेंटिंग। और ऊपर एक बॉक्स बनाया था जिसके अंदर मैंने डायनासोर्स एंड इनका वो टॉय रख दिया, जो कि एलियन शिप, आई डोंट नो, स्पेस शिप, सॉरी, हाँ स्पेस शिप है। वो कहते हैं ना एलियंस इसके अंदर जा रहे हैं, तो मेरे मुंह में यही आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी नीचे फ्लावर्स लगा दिए जो कि फोमिक शीट से बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा बाय नहीं की, बहुत टू थ्री ईयर से हम लोग कलेक्ट कर रहे थे। ये नीचे भी एक ट्री लगाया, ये भी फोमिक शीट से बना हुआ है। फ्लावर्स सारी अलिफ बे पे, क्योंकि अलिफ बे पे मैंने देखा है कि आजकल के बच्चों को याद ही नहीं होती, तो आई थॉट के रूम में एक जगह पे सारी हरूफ तहजी होनी चाहिए ताकि बच्चों को याद हो। अच्छा, अब ये मैं आपको एक एक्साइटिंग चीज़ दिखाती हूँ जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद था। दिस इज़ फ्रिज, और ये एक उनके लिए क्या कहते हैं, चूल्हा बनवाया। ये इस पे वो कोई चीज़ कुक कर सकते हैं नकली वकली में। और दिस इज़ टैप, हेलो, और ये रोटेट भी करती है। और ये जो है ना, ये चूल्हे के स्विच है, बटन है, ये भी रोटेट करते हैं। अच्छा, ये है ओवन, छोटा सा ओवन मेरे बेबीज़ का, जो कि आम ओवन की तरह इसकी भी ये रोटेट करती है। और ये है एक क्लॉक, स्पेसशिप क्लॉक, जो कि मेरे बेटे को पसंद आया था, तो फिर मैंने इसकी वजह से ऑनलाइन मंगाया। अच्छा, अब यहाँ से हम इस तरफ आए तो यहाँ जो है ना, लुक क्रैक्टर्स, जो कि मेरे बेबीज़ के रूम में सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा। और साइड पे ये असल में टीवी के लिए एक नीश बनी हुई है, इसके ऊपर मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लगवाया। और यहाँ असल में ये है एक टेबल, स्टडी टेबल, जिसके ये ड्रॉज हैं। ये देखिए नीचे नीचे में मैंने एनिमल्स लगाए हुए हैं। जब हम इस दीवार पर आते हैं तो ये एक बेबीज़ के टॉयज के लिए मैंने एक काफ़ी डिफरेंट जगह से ढूंढ ढूंढ के फिर ये फाइनलाइज़ की। कैबिनेट है जो कि थोड़ा डॉल हाउस शेप इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे बच्चों को डॉल हाउस पसंद है। तो देखिए, आपने मेरे बच्चों के प्ले रूम की वीडियो, बताइएगा कैसी लगी। और अब जो नेक्स्ट पोर्शन है, उसमें मेरे बच्चों को जो हमने सरप्राइज़ दिया कि आके देखें अपना रूम फर्स्ट टाइम, तो उनका क्या रिएक्शन था, चलें अब वो देखते हैं वीडियो। स्टिकर देखो, स्टिकर अदर क्या ये? हाथी भैया, इधर देखो कैसा लग रहा है।
अभी वो देखें वो क्या Love my family. We will be happy in our new house.